प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला है और हमारी बबल इंजन की सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, और लगातार उत्साह दिन प्रतिदिन लोगों का बढ़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद लोगों ने हमें दिया है और अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आज ओबीसी का कार्यक्रम पर आज अपने परिवारजनों के बीच में आई हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ और मुख्यमंत्री जी की सोच है वो लगातार लोगों के समस्याओं का समाधान हो और उसी के लिए लगातार आए दिन नई नई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं और लगातार लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। देखिए ओबीसी समाज के लिए जो दिया है, जो इनको टर्मिनल वार्षिक आय को 6 से 8 लाख बढ़ाने के कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनके बेटे भाई ने किया है, उसी का आज इन लोगों ने प्रोग्राम रखा था और उसी के तहत आज चीज में मेरा आना। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पहले सरपंचों को सब बात दी, पहले भी ऐसे में क्या ऐसे बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री क्या मान लो कार्यकाल ऐसे बोल 9.5 वर्ष का कार्यकाल हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का रहा। आप लोगों ने देखा ही होगा बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, हर वर्ग की चिंता की है और इतनी खुशी की बात है कि करनाल की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताया है और केंद्र में कैबिनेट के वो मंत्री बने। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है, बेदाग छवि का कार्यकाल रहा है, चाहे हमारी सेंटर की है चाहे स्टेट की है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक पैसा भी किसी का नहीं भी लिया है और बेदाग छवि का कार्यकाल हमारे मनोहर लाल जी का रहा है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।